हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे डेंगू के बारे में। फ्रेंड्स, यह एक सीजनल बीमारी है और जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक इसके जो इंसिडेंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब बारिश का मौसम शुरू होता है, मच्छरों की संख्या बढ़ती है, चारों तरफ नमी रहती है, तो ऐसे इन्वायरमेंट में वायरस को ग्रो करने का एक अच्छा मौका मिल जाता है और फिर डेंगू के जो पेशेंट हैं वो ज़्यादा मिलने लगते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि डेंगू होता क्या है, ये फैलता कैसे है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये आप सभी जानते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके लिए होम रेमेडीज क्या क्या हैं और क्या हर डेंगू के मरीज को हॉस्पिटल जाना जरूरी है, किन कंडीशंस में तुरंत हॉस्पिटल जाना जरूरी है, तो बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे जो भी हेल्थ रिलेटेड आगे वीडियो आए वो आप तक पहुँचे, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। यह एक वायरल इन्फेक्शन है और ये एडीज एजिप्टी नामक जो मॉस्किटो है उसके फीमेल मॉस्किटो के काटने से फैलता है। जब भी ये मॉस्किटो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, उसका ब्लड सक करती है, तो उसमें ये जो वायरस है वो ग्रो करने लगते हैं और यही मच्छर दोबारा जब किसी भी हेल्दी पर्सन को काटेगी तो उसके अंदर ये वायरस ग्रो करने लगते हैं और उसको इन्फेक्शन हो जाता है। मच्छर के काटने के 4 से 7 दिन के अंदर जो डेंगू के सिम्टम्स हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो ये जो फीवर है इसके 3 स्टेज होते हैं, 3 फेज होते हैं। पहला फेब्राइल फेज है, दूसरा क्रिटिकल फेज है और तीसरा रिकवरी फेज है। फेब्राइल फेज का जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो बुखार होता है। बुखार के साथ ठंड लग सकती है, कपकपी हो सकती है और बुखार के साथ साथ सर में तेज दर्द होता है, आँखों के पिछले हिस्से में दर्द होता है। इसमें सीवियर बॉडी एक मसल और जॉइंट पेन होता है, इसलिए इसे ब्रेक बोन फीवर यानी कि हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मरीज को उमटिंग, नौजिया या फिर डायरिया जैसी परेशानी भी हो सकती है। मैक्सिमम लोग इस फेज़ में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग क्रिटिकल फेज़ में एंटर कर जाते हैं और कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं। इसमें मुंह से, नाक से, मसूड़ों से, जीआई ट्रैक में, कहीं से भी ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, क्योंकि इसका असर हमारे बोन मैरो, प्लेटलेट और वाइट ब्लड सेल्स पे पड़ता है। इसमें जो प्लेटलेट्स की संख्या है वो गिरने लगती है और बहुत तेज़ी से गिरती है। प्लेटलेट हमारे जो बॉडी है इसमें क्लॉटिंग फैक्टर की तरह काम करता है, ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। अगर प्लेटलेट की जो संख्या है वो कम होने लगेगी तो ब्लीडिंग की जो चांसेज है वो बढ़ जाते हैं। ओमिटिंग और स्टूल से भी ब्लड आने लगता है। सीवियर केस में ब्लड वेसल्स से प्लाज्मा लीक करके बाहर आने लगता है, जिसके कारण से बॉडी में स्वेलिंग होने लगती है, चेस्ट में पानी भर जाता है जिसे प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं, या फिर पेट में पूरा पानी भर जाता है जिसे एसाइटिस के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा लीकिंग के कारण जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें फ्लूड की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा डाउन होने लगता है। जो अदर ऑर्गन्स हैं, जो वाइटल्स ऑर्गन हैं बॉडी के, उन तक ब्लड अच्छे से नहीं पहुंचता है और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन होने लगता है। पेशेंट शॉक में भी चला जाता है, इसे डेंगू शॉक के नाम से जानते हैं, और अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो पेशेंट की इस अवस्था में जान भी जा सकती है। यह जो क्रिटिकल फेज है या फेब्राइल जो फेज है इसके 3 से 4 दिन बाद शुरू होता है, यानी कि जब आपका फीवर उतर जाता है उसके बाद इसके होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बुखार उतरने के बाद पेशेंट के सिम्टम्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। घर में लोगों को लगता है कि बुखार उतर गया है तो अब ये ठीक हो रहा है, लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि क्रिटिकल जो कंडीशन है, जो क्रिटिकल फेज होता है, उसमें फीवर नहीं आता है। जब आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो डॉक्टर का पहला सवाल यही होता है कि आखिरी बार बुखार कब आया था, क्योंकि बुखार ख़त्म होने के बाद ही प्लेटलेट के जो काउंट हैं वो ज़्यादा तेज़ी से गिरते हैं और वाइटल ऑर्गन्स पे असर पड़ते हैं। फेब्राइल फेज निकल गया, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, तो इसके बाद रिकवरी फेज शुरू होता है। इसमें पेशेंट को कमजोरी लगती है, भूख नहीं लगता है, बॉडी पे रैसेस आते हैं और बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। यह जो फेज है वो 3 से 4 दिन का होता है, उसके बाद पेशेंट ठीक होने लगता है। पूरी तरह से ठीक होने में 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं।
इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? डॉक्टर आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं जैसे CBC, डेंगू एंटीजन, डेंगू एंटीबॉडीज और भी कुछ कॉमन ब्लड टेस्ट कराते हैं और ये पता करते हैं कि ये जो परेशानी है ये डेंगू की वजह से है या फिर कोई और भी इसके कारण है। इसका मैनेजमेंट क्या है? इसका कोई भी स्पेसिफिक मैनेजमेंट नहीं है, कोई भी एंटीवायरल ड्रग नहीं है। इसका जो भी मैनेजमेंट होता है वो डॉक्टर सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन के आधार पर करते हैं। जो लोग लिक्विड ले सकते हैं, अच्छे से यूरिन हो रहा है, कोई भी वार्निंग साइन नहीं है, तो ऐसे लोगों को घर पे ट्रीट किया जा सकता है। 6 से 8 घंटे पे पैरासीटामॉल की टेबलेट बुखार के लिए लेना है, बॉडी पे स्पॉन्जिंग करना है यानी कि गीले कपड़े से बॉडी को पोंछना है, सर पे पट्टी रखना है। इस टाइम पे आपको दर्द और बुखार के लिए कोई भी नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग यानी कि पेन किलर जैसे डाइनापार, कॉम्बिफ्लॉम जैसी दवाइयाँ नहीं लेनी है, क्योंकि ये जो है ये ब्लीडिंग के जो चांस है उसको बढ़ा देते हैं। अधिक से अधिक लिक्विड जैसे नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, दूध, जूस, इलेक्ट्रोलाइट, ये सारी चीज़ें लेनी है। न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है और प्लेटलेट काउंट को मॉनिटर करते रहना है। अगर बुखार पैरासीटामॉल से भी नहीं उतर रहा है, भूख नहीं लग रहा है, बॉडी एक बहुत ज़्यादा हो रहा है, उल्टी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, प्लेटलेट का काउंट गिर रहा है, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, इस टाइप के कोई भी वार्निंग सिम्टम्स अगर देखते हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है और ज़रूरत पड़ने पर हॉस्पिटलाइज भी होना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके क्रिटिकल फेज की शुरुआत हो। हॉस्पिटल में आपको सही मात्रा में IV फ्लूड दिया जाता है। अगर प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम होता है तो प्लेटलेट भी चढ़ाया जाता है। डेंगू का असर जैसे जैसे कम होता है प्लेटलेट का काउंट बढ़ने लगता है। इसके प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो ये जो मच्छर है एडीज एजेप्टी, ये साफ पानी में पनपते हैं, तो ऐसी जगह जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करना है, जैसे कूलर हो गया, खुली टंकियाँ हो गई, गमले हैं, प्लास्टिक जार है, पुराने टायर हैं, मतलब ऐसी कोई भी जगह जहाँ आपको लगता है कि पानी इकट्ठा हो रहा है, बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है, अगर यूज़ नहीं है तो उसको आपको फेंक देना है। और अगर आप कूलर है, पानी की टंकी है, सब रेगुलर यूज होने वाली चीज़ें, तो इसको आपको फ्रिक्वेंटली इसका पानी चेंज करना है। आसपास अगर गड्ढे हैं तो उसको मिट्टी से भर देना है, मतलब गड्ढों को भरना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे पानी इकट्ठा है, तो उसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड या फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट जो आता है उसको डालना है ताकि उसमें मच्छर ना पनपे। मच्छर को ख़त्म करने के लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, क्वाइल है, स्प्रे है, लिक्विड है, तो आप उनका यूज कर सकते हैं। बॉडी पर और कपड़ों पर लगाने के लिए मस्कीटो रिपेलेंट भी अवेलेबल हैं, पैचेज हैं, क्रीम के फॉर्म में अवेलेबल है, स्प्रे के फॉर्म में अवेलेबल है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो इस एक्सपोज जो भी बॉडी के पार्ट है आप उस पर इसको यूज कर सकते हैं। नीम की पत्तियों से अगर आपको मिल जा रहा है तो आप धुआं कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो दरवाजे और खिड़कियों को बंद करके रखें। जब भी बाहर निकल रहे हैं तो बॉडी को पूरा कवर करके फुल स्लीव्स के टी शर्ट और पैंट पहन के निकलें। जिनको एक बार पहले डेंगू हो चुका है या फिर इन्फेंट है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उसमें इनके कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रेगनेंसी में अगर डेंगू हो जाता है तो मिसकैरेज, लो बर्थ वेट, प्री टर्म डिलीवरी जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अगर प्रेगनेंसी है तो आप अपना विशेष ख्याल रखें और ऐसे एरियाज में ना जाएं जहाँ पर डेंगू बहुत कॉमन है। कुछ लोग के मन में ये सवाल आता है कि एक बार डेंगू हो गया है तो क्या दोबारा भी मुझे डेंगू हो जाएगा? तो हाँ, हो सकता है, क्योंकि डेंगू के 4 स्ट्रेन होते हैं। तो अगर आपको एक स्ट्रेन से एक बार डेंगू हुआ तो उससे तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी आ जाएगी, लेकिन बाकी के 3 स्ट्रेन से आपको डेंगू हो सकता है। क्या यह एक कंटीजियस डिजीज है, यानी कि क्या यह छूने से फैलता है? तो बिल्कुल नहीं, या बिल सिर्फ मच्छर काटने से फैलता है, या फ्लू की तरह एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक छूने से नहीं फैलता है। रेयर केस में प्रेगनेंसी के दौरान या फिर डिलीवरी के दौरान बच्चे में ही ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम इसको देखा गया है। क्या इसके लिए वैक्सीन है? तो बहुत सारी कंट्रीज में इसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है, लेकिन ये सिर्फ उन्हें ही रिकमेंड किया जाता है जिन्हें पहले डेंगू हो चुका है, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारा डेंगू का केस होता है, जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कॉमनली डेंगू से अफेक्टेड होते हैं। उम्मीद है आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा, कुछ नया आपने इससे जाना होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। Thank you.